तो गुजरात में वर्षे शियाळो मोड़ो होय तेवी परिस्थिति छे, कारण के कार्तक महीनो बेसी गयो होवा छतां पण ठंडी की शुरुआत नहीं थई। अल्निनोनी असर कारण शियाळो मोड़ो पड़ो छे। डिसेम्बर महीना में गुजरात में हाड़ थीचवती ठंडी पड़शे। अल्निनो कारण ठंडी ज्यारे पड़शे त्यारे वधु पड़शे। हाल गुजरात की स्थिति जोईए तो दिवस दरमियान गरमी अनुभव थाय छे, ज्यारे रात्रे सामान्य ठंडी अनुभव थई रह्यो छे। जो कि अगाउना वर्षों में नवेम्बर महीना में ठंडी जो माहौल जामतो हतो ते आ वर्षे नथी जाम्यो। नवेम्बर पहला बे अठवाडिया सुधी आवी ज स्थिति रहेशे। जो कि डिसेम्बर में हार्ड थीचवती ठंडी पड़शे। सामान्य रीते नवेम्बर महीना की शुरुआत थी एटले के दिवाळी बाद गुजरात में गुलाबी ठंडी की शुरुआत थी जती होय छे, परंतु आ वर्षे चोमासु लांबु खेंचायुं छे, जेने लईने चोमासा बाद संपूर्ण ऑक्टोबर महीना में अत्यंत भारे गरमीनो वर्तारो नोंधायो छे। एटले के वर्तारो थयो छे तो त्यारबाद नवेम्बर महीनानी शरूआतथी ज रात्रि दरमियान राज्यना केटलाक विस्तारोमां सामान्य ठंडीनो अनुभव पण लोकोने थई रह्यो छे। परंतु हवामान विभाग की आगाही छे कि नवेम्बर महीनानुं प्रथम पखवाड्युं जोईए तेवी ठंडी नहीं होय। हवामान विभाग अनुसार ऑक्टोबर महीना में वर्षे तमाम रेकॉर्ड ने तोड़ता सौथी वधु महत्तम तापमान रह्युं हतुं। देशभर में ऑक्टोबर महीनो वर्ष 2024 माटे महत्तम तापमान वधु रह्युं हतुं अने जेना कारणे चोमासा बाद फरी एक वक्त उनाळो शुरू थयो होय तेवी स्थिति देशवासीओ सहित गुजरात में रहता लोकोने अनुभवाई छे। तो नवेम्बर महीना की शुरुआत थी राज्यना लघुत्तम तापमान में सामान्य घटाड़ो थता मध्यरात्रि थी लईने वहली सवार सुधी सामान्य ठंडीनो अनुभव लोकोने थई रह्यो छे, जे नवेम्बर महीनाना प्रथम सप्ताह अने बीजा सप्ताह में यथावत रहेशे। तो त्यारबाद धीमी धारे ठंडीनी शुरुआत थवानी शक्यताओ हवामान विभागे व्यक्त करी छे। नवेम्बर में अभी तो हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें जो नवेम्बर मंथ का फोरकास्ट दिया गया है, इसमें जो मिनिमम तापमान है, जो लघुतम तापमान है, वो नॉर्मल से अबव नॉर्मल, नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहेगा, और जो उच्चतम तापमान है वो आपका बिलो नॉर्मल, नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल। अभी नॉर्मल जो नॉर्दर्ली विंड होने से आपका नॉर्दर्न पोर्शन में जो टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ विंड यहाँ ठंड लाएगी, तो यहाँ ठंड होगी। ज्यां सुधी मजबूत पश्चिमी विक्षेप नहीं आवे त्यां सुधी गुजरात सौराष्ट्रमां अने कच्छना भागोमां गरमीथी राहत मळवानी शक्यता रहेवानी शक्यता घणी ओछी छे। ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઠંડી આવવાની શક્યતા રહેશે અને 22 ડિસેમ્બર પછી ગાત્રો સિઝનથી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે। જો મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 34-35 ડિગ્રી સાથે અને ન્યૂનતમ ઉષ્ણતામાન લગભગ 18-19 સેલ્સિયસ ન થાય ત્યાં સુધી તો ગરમી રહેશે, પરંતુ ઠંડી પડે તો આજે રવિ પાકો સારા થવાની શક્યતા ગણી શકાય। પછી તો 22 નવેમ્બર પછી ઠંડીની અસરના કારણે રવિ પાકો ઉપર કંઈક સારી અસર થઈ શકે।